घोड़ा सदियों से इंसान को भ्रमित करता रहा है, और एक बार आदमी घोड़े के जाल में फंस गया वो कभी उसके मोह जाल से निकल नहीं सकता। और एक घोड़े की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये वीडियो उसके बारे में है। घोड़ा सुरखाब जो किक्की ढिल्लों जी के पास था, अब वो अमरदीप सिंह भोलू जी के पास आ गया है, और ये एक पार्टनरशिप है। और ये पार्टनरशिप का कारण सिर्फ ये है कि भोलू जी भी घोड़ों को उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम किक्की ढिल्लों जी करते हैं। वो इस घोड़े को बेच भी सकते थे मगर उन्होंने नहीं बेचा। इनकी कोई म्यूचुअल डील हुई है जिसमें ये घोड़ा भोलू बाबा जी के पास पार्टनरशिप में रहेगा। एक घोड़े की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है कि आदमी उसको महंगा ना बेच के उसको एक ऐसे दोस्त के साथ पार्टनरशिप में रख रहा है जो उनके घोड़े को बहुत ही प्रेम से रखेगा, और उस घोड़े का बड़ा नाम होगा और उसके अच्छी ब्रीडिंग होगी और वो एक फेमस घोड़े में बदल जाएगा। और आप इस भीड़ को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घोड़े की क्या इम्पोर्टेंस होती है घोड़े वालों के लिए। एक घोड़े का स्वागत ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई घर में नया सदस्य आया हो, और घोड़ों को जब घर में लाया जाता है उनकी पूजा की जाती है, उनको मीठा प्रसाद खिलाया जाता है और बर्तनों में रख के चांदी के गहने सुंघाए जाते हैं। सो दोस्तों, घोड़े वाले एक दूसरे को जितना मर्जी बदनाम करते हों मगर घोड़े वालों का आपस में जो प्यार है वो भी आप इस वीडियो से देख सकते हैं। और एक VVIP आदमी जो आपके घर में आता है उस तरह से घोड़े का स्वागत किया जाता है। और एक घोड़ा जब अपनी जगह बदल के नई जगह जाता है तो पूरा घोड़ा जगत उसको बधाई देने भी जाता है, और वो बधाई दिल से दी जाती है। मैं स्पेशली जाके आज इस खूबसूरत घोड़े के दोबारा दर्शन करके आया, और मेरे दोस्त अमरदीप सिंह जी भुल्लर जिनको लोग प्यार से भोलू बाबा जी कहते हैं उनको बधाई भी दे के आया मेरे दिल से। और ये बधाई मैं अपने बड़े भाई किक्की ढिल्लों जी को भी देना चाहता हूँ जो कि एक बहुत ही बड़े हॉर्स लवर हैं। बड़े आदमी तो है ही है मगर हॉर्स लवर भी बड़े हैं, और वो भी इन घोड़ों के जाल से कभी नहीं निकले हैं और ना ही निकलेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं किक्की ढिल्लों जी को, भोलू बाबा जी को और उनके भाई जीवन सिंह जी को। जीवन सिंह जी का नाम लिए बिना भी ये वीडियो अधूरा है। जीवन सिंह जी एक कंप्लीट हॉर्समैन है एंड वेरी हार्ड वर्कर। कभी उनसे मैं जाता हूँ, उनको हमेशा काम करते देखता हूँ, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। वंस अगेन इस घोड़े को नए घर में स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं।